दुकान नहीं मिला, बोले किसी काम की दुकान नहीं, क्या है दुकान में? और गांव के बाहर एक दुकान और मिलेगी, इसका नाम क्या है? देश की शराफत का, देश की शराफत की दुकान, देश की शराफत की दुकान। ये दुकान इधर है, एरो दे दिया जाता है, कहीं व्यक्ति भूल ना जाए कि आपका ध्यान किधर है। देसी शराब के ठेके की दुकान इधर है, ये आपका अच्छा वाला घर है, इसमें आपकी वैल्यू होगी। तो क्या कहते हैं, हमारी कोई कदर नहीं होगी। तो ये भी नशा है, और दूसरा नशा मित्रों के दबाव में आके, और पुरुष तो पुरुष स्त्रियां भी नशा करती है। हमारी बहनें तो नहीं करती, यहाँ पे कोई बहनें नशा करती है? करती है, कई कई बहनें हमारी मंजन करती है, ये भी एक नशा है। दिन में 3 बार 4 बार मंजन करना किसने बताया? 2 बार पेस्ट करो, सदा स्वस्थ रहो। और 3 बार 4 बार करते जब तक आपको अमल नहीं आया, तब तक घिसते रहेंगे, घिसते रहेंगे, घिसते रहेंगे, और उसके बाद सो जाएंगे, बोले अब फ्रेश फ्रेश हुआ है। ये भी नशा। तो हम आपको नशे की बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि नशे में हम थे और आज फिर नशे में हैं। हम कौन से नशे में हैं आप? हम उस नशे में हैं कि नशे वालों का नशा छुड़ा रही है, नशाया हमें सब नशा बेच रहे हैं, सब नशा बेच रहे हैं, हम नशा छुड़ा रहे हैं, पर हमारे हाथ में सब निकल जाते हैं। हमने कोई तो फिरोजावा एक मिल जाएगा तो ये फिरोजावा दोबारा से बच जाएगा, सब नशे में चले जाएंगे। लंका में आग लगी थी, युद्ध हुआ था, सब मिट गए थे, एक ही बचा था। कौन था? जिसकी बुद्धि भीषण थी, भीषण बुद्धि थी, समझदार बुद्धि थी, उसको कहते भीषण। तो यहाँ पे जो भी बचेगा वो भीषण बचेगा, बाकी सब नशे में फंस जाएंगे, कोई नहीं रुकने वाला। चाहे बुद्धिवान हो, धनवान हो, ज्ञानवान हो, डॉक्टर हो, वकील हो, मिनिस्टर हो, कोई अधिकारी हो, ये जहर सस्ता है और सबको हर जगह मिल जाता है, और जिसके मुंह में चला गया वो कभी भी छूटने वाला नहीं है। तो ऐसा जहर आज हमारे समाज में फैला है, और इसको निकालने वाला कोई नहीं है। कोई निकाल सकता है? आप किसी दारू वाले से कहो, हाथ में फेंको कि भैया आज मत पी गए, बोले हाँ तेरे बाप का पी रहा हूं क्या? सीधा जवाब देगा आपकी क्या वैल्यू है, भूल जाएगा। फिर 2 घंटे बाद शहर में राजा घूम रहा था, एक बार कहानी आपने सुना होगा कि दारू बाद दारू पीकर नाली में पड़ा हुआ था और हाथी पर राजा जा रहा था। कहता है अरे भाई, अरे राजा इस हाथी का क्या लेगा, हाथी का क्या लेगा, नाली में पड़ा है और सौदा कर रहा है। जब सुबह पहुंचे कि भैया उस व्यक्ति को बुला के लाओ, वो कहा है हमारे हाथी की कीमत देने वाला था। फिर सुबह पूछा उससे कि भाई हाथी कह दे रो, कि भाई से वो तो चला गया, चल भैया वो कल ही आया था थोड़ी देर के लिए। तो ये नशा व्यक्ति को कहां से कहां ले जाता है और ब्रेन को ड्राइव करता है।